हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दखिला शेख व्लॉग्स। सो आज आप सोच रहे हो कि मैं चलते हुए व्लॉगिंग स्टार्ट की बाहर, लाइक घर के बाहर। हाँ, कॉज लाइक आज मुझे कॉलेज के लिए लेट हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हुए इंट्रो ले ले। तो आज 18th रोज़ा हो गया और कल मम्मी का बर्थडे था, तो बट इतना कुछ स्पेशल हुआ नहीं, कॉज रमज़ान था। वरना रमज़ान नहीं था तो हम लोग लाइक बाहर वगैरह जाते होटल वगैरह में, बट आज इस बार हम लोग गए नहीं। तो सिर्फ केक कटिंग था, तो उसका क्लिप मैं आपको डाल दूँगी। एंड अभी आज मैं जा रही कॉलेज, तो आप भी चलिए आज मेरे साथ कॉलेज। और मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ, ट्रेन भी आई है। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी और ट्रेन आ गई, तो फिर क्योंकि उसकी आवाज़ की वजह से तो मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो देखिए अभी मैं स्टेशन आ गई हूँ, इट्स 8:19 राइट नाउ, और 8:30 की वो मेमो या दीवा समथिंग है वो आएगी, तो उसे चलेगी आज कॉलेज। तो स्टेशन पहुँच के पता चला कि जो ट्रेन है हमारी बोईसर मेमो, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह पे 2nd पे आएगी। तो वही अभी ब्रिज क्रॉस कर लिया है, नीचे उतरते हैं एंड देन ट्रेन का वेट करते हैं। कैन यू ऑल सी द रश। आगे तो पूरा पूरा पब्लिक है इस साइड पे भी पूरी। एंड द ट्रेन इज हियर, और अभी ये ऑलरेडी लोग थे वो खाली हो रही है ना, अब हम चढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे चढ़ने के बाद मिलती हूँ, कॉज यू कैन सी कैसे मारा मारी चल रही है। सो फाइनली पालघर स्टेशन पहुँच गई हूँ एंड ट्रेन में इतनी गर्दी थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सो गाइज ये देखिए मम्मी के लिए हम लोग लाए हैं ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम केक हैव मोर का, और जैसे कि मतलब लाइक हमारे घर पे हमेशा से सब लोग हम लोग एक साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट रमज़ान की वजह से कोई आया नहीं है, सिर्फ सरफराज भाई आए हैं। तो चलिए अभी हम लोग केक कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे सरफराज भाई और अभी बाबू चाचा और जेमू भी आ गए हैं, और ये मम्मी और कबीर रेडी। कट टाइम 3000 ईयर्स लेटर, मम्मी से केक कट ही नहीं रहा है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बर्थडे गर्ल को मैं अरे लो ना, कबीर ले मुझे तो ये देखिए हमारे लव बर्ड्स फॉर एवर। पापा ने दिया है मम्मी को फ्लावर्स और चॉकलेट। हाँ हाँ, कबीर ने चॉकलेट, कबीर ने फ्लावर्स दिए। मैं पापा थम्स अप पी रहे केक खाने के बाद। देखो
के सो स्टेशन क्रॉस करके यहाँ से थोड़ा चलना है, और बाहर ही ऑटोज रहती है कॉलेज के लिए। और ट्रेन मिला, इतना रश था, पहले तो बैठने नहीं मिला, बट देन नाइस ऑफ दैट गाय, उसने फिर मुझे बैठने दे दिया। और ट्रेन में एक झगड़ा भी हुआ, मेरा नहीं किसी और का, बट लाइक सीरियसली इतनी एक सेंसलेस टॉपिक पे लोग झगड़ा करते, दरवाजे से अंदर आने ही नहीं देते लोगों को, लोग हटना नहीं रहता, लाइक सीरियसली पहले अंदर तो आने दो लोगों को। तो अभी देखिए पूरी पब्लिक ऑलमोस्ट सेंट जॉन की ही है, तो यहाँ पे ही अभी ऑटोज रहेंगे लाइन से, तो फिर ऑटो में बैठते हैं एंड देन कॉलेज चलते हैं। देखिए कैसे फास्ट फास्ट पूरी रिक्शा भर जाती है, एंड अभी देखते हैं हमें कौन सी ऑटो में सीट मिलती है। ओके तो हमें ऑटो मिल गई है, एंड हमारा लेक्चर 9 बजे का ऑलरेडी, यहाँ पे 9:02 हो रहे हैं, ठीक है थोड़ा लेट पास चलता ही है। तो गाइस देखिए फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं, एंड ये वीडियो में शायद तक मैं आपको कॉलेज का टूर दूंगी, बट अभी पहले लेक्चर्स अटेंड कर लूँ, ऑलरेडी लेट हो गया है। चेंज नहीं है, चलेगा कोई। हमारा इस कॉलेज में होने का प्रूफ, और अभी हमें जाना है सेकेंड फ्लोर ट्यूटोरियल रूम जाना है, तो चलिए चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुकती है, थर्ड फ्लोर के बाद से रुकती है, दैट्स अ बिग थिंग। तो देखिए सबसे पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, एंड अंदर ही प्रिंसिपल ऑफिस है, और हमारे कॉलेज में जैसे कि HMBA जो यहाँ के लोग हैं उनको पता होगा, सो ये किचन है, ये भी किचन है, दिस इज एडवांस किचन एंड दिस इज बेकरी। एंड यहाँ पे हमारी लिफ्ट है, बट हाँ हम लोग थर्ड फ्लोर पे जा सकते हैं एंड देन एक फ्लोर उतर सकते हैं, दैट्स मोर कन्वीनियंट देन वॉकिंग अप टिल 2 फ्लोर्स। तो चलो लिफ्ट से ही चलते हैं। ओके सो हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर, एंड अब हम सेकेंड फ्लोर चलेंगे, कॉज हमें ट्यूटोरियल रूम जाना है जो सेकेंड फ्लोर पे। तो आई थिंक सो प्रोफेसर आ गए होंगे, तो मैं आपको लेक्चर्स के बाद ही मिलती हूँ। ओके तो सर तो नहीं आए हैं, बट तब तक हम अंदर जाके बैठ जाते हैं। हाँ ओके सो यहाँ पे हमें वेट करना है, सर आएगी तब तक। ओके तो आपको लग रहा होगा कितनी छोटी सी क्लासरूम है, और लाइक कोई बच्चे ज़्यादा दिख नहीं रहे अभी, 2-3 जन मतलब लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग दिखे, बट अभी और लोग आएंगे, और ये जो है वो स्पेशल लेक्चर से लाइक जिसने मिस कर दिया था उनके लिए रिपीट किया गया है, तो इसके लिए अभी बाकी लोग आएंगे, तब तक हम लोग वेट करते हैं। एंड सर ने 9:00 का लेक्चर बोला था, बट अब वो 9:30 कर दिया है, तो अभी सर भी थोड़ा लेट है। अच्छा है हम लोग आ गए ऑन टाइम हो गए, मतलब कैसे भी करके ऐसे या वैसे करके। और हाँ मैं आपको बता रही थी कि स्टेशन से मेरे कॉलेज तक का फेयर 15 रुपीज़ है, लाइक मैं मतलब हम लोग ईस्ट साइड से, हमारी कॉलेज ईस्ट में, तो ईस्ट साइड से आते तो इट्स 15 रुपीज़, और अगर वेस्ट से आएंगे या फिर कॉलेज से भी वेस्ट में जाएंगे तो इट्स 20 रुपीज़।
सोचा कि जब तक सर आ जाते हैं तब तक थोड़ा मेरा बुक कंप्लीट करना बाकी है, जिसका आज सबमिशन है लाइक 2 या 3 पेजी बाकी है, तो मैं सोचा तक वो कंप्लीट कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करें, राइट। ओके देन, ये है मेरे फ्रेंड शगुन, हाय कर। तनिष, फाइनली लेक्चर्स हो गए, मतलब लेक्चर्स हुए नहीं है, अभी भी 2 लेक्चर बाकी है, बट मैं जा रही हूँ घर, बस आई एम एग्जॉस्टेड एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। वैसे भी वो 2 इम्पोर्टेंट लेक्चर्स नहीं है, वो एक्चुअली हम लोग को फ्री ही मिलने वाला है, तो मैं अभी निकल रही हूँ घर के लिए। 2:41 की एक ट्रेन है जो बहुत लेट है आज, शायद तक मिल जाए तो, क्योंकि 2:50 हो गए ऑलरेडी, देखते हैं ट्रेन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम बाद दूसरी ट्रेन भी है ही। तो चलिए हम घर चलते हैं। ओके सो गाइस, हम पहुंच गए पालका स्टेशन एंड इतनी बुरी वाली धूप है, लाइक ऐसा लग रहा है सीरियसली कि कोई फायर बॉल्स फेंक रहा है बॉडी पे, इतना गंदा धूप है। और ये देखिए यहाँ पे स्टेशन पे ठंडा पानी का रखा हुआ है, नाइस फैसिलिटी। इट्स 3:05, पता नहीं ट्रेन मिलती है या नहीं, किसी से पूछते हैं। सो अभी ट्रेन आई है एंड हमें ट्रेन मिल गई है, ट्रेन थी 2:41 की और आ रही है, इट्स 3:15 राइट नाउ, 3:15 को आ रही है। चलिए फाइनली अब हम पहुंच गए बोईसर और चलिए अब चलते हैं घर। सो फाइनली हम पहुंच गए घर और आपसे मिलती हूँ अब मैं इफ्तार के वक्त पे, अभी फ्रेश होके सो जाऊंगी। चलो सी यू। ओके तो यहाँ पे बनी है पेटिस, यहाँ पे थोड़ी फ्राई हो रही है और अभी मैं जा रही हूँ नींबू पानी बनाने के लिए, तो ये बना लेते हैं। चलिए हमारा नींबू पानी हो गया रेडी एंड ये आज की हमारी इफ्तार पेटिस और साबुदाना के वड़े जो आयशा मामी ने भिजवाई है, और वाटरमेलन। फोटो फोटो फोटो। ये गाइस मेरी पूरी सेविंग्स ये इन लोगों पे उड़ती है, ये ऐसे लोगों पे। अरे वेर यू बेटा। हाँ ये सबसे ज्यादा तो ये मम्मी पे। सो अभी इन लोग लेकर आए हैं, मेरे ही पैसे से लेकर आए हैं आइसक्रीम एंड केक, क्योंकि इन लोग को पीना है कोल्ड कॉफी। चलिए अभी हम बनाते हैं। क्या हुआ नहीं पैसा चल पका मत। फ्रिज में देखना है वाली, क्या चाहिए? हेजलनट या मोचा? नारंगी बिल्ली लेने वाली चीज तो लिया नहीं, पागल क्या आई नहीं बेचारी, ऊपर हो गया कैमरा मेरे से। खाना देख सकते हो आप, मच्छी का सालन। आगे भी सही सही शूट करो वरना मार दूंगी तुम लोग के मुंह में। तो सब आते हैं। ये भी दे। हट 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 हट। चल उंगली उठा कैमरे में से। ये कैमरे में से उंगली उसका। आई स्पाइस नहीं है ये। हां चल। ये पूरा के कौन डाल दिया इसमें? ये लोग अक्कल बड़ी के भैंस। भैंस। अरे उन्हें डाला ना मेरे साथ। उन्हें बड़ा शमी बड़ा
अक्कल भी नहीं, भैंस भी नहीं, काम ही बड़ा। इनने के पास अक्ल भी नहीं है ना, ये पूरे हैं। एक दो हाँ, तीन तो, चार पाँच, इसमें से आधा आधा इन लोग खा लिए। आधा आधा नहीं, वो टूट गया आधा। अच्छा अच्छा, तो इसमें हम लोग डाला है 2 स्पून भर के वैनिला आइस, वैनिला कॉफी, इम्पल्स वैनिला कॉफी। देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के दे हो, चलो चल दो जल्दी कोई भी। बस इतना ही दूध डालेंगे हम, इसमें डालेंगे हम ऑयल स्पाइस, यहाँ पर डालेंगे आइसक्रीम। बोलने दे, देखो क्या जा रहा है ना आसी। No offense guys, no offense। उसके अंदर हम डालेंगे केक, कपकेक्स, डंग डंग डंग। भाई ये हमारा कोल्ड कॉफी नहीं, ये हमारा शेक बनने वाला, हमारा बेसुरा भी है यहाँ पर। देखो शमी, देखो एक गाना का जरा कहानी सुनो वाला। कहानी सुनो जोरदी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कि तुझे दूर बनाए, तेरे हाथ पे मेहंदी, मेरी नाम की सजा, क्या बात है, तेरे साथ के उठाए उठाए। नाक खराब हो गया। बन गया टेस्टी। नीचे हर्षीज की बॉटल है, वो नहीं बन गई। इधर हर्षीज, 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 गाइस मेरी तो अभी तक बाकी है, और ये दोनों जे फटाफट खा पूरा पी लिया। लगाओ उधर अगरबत्ती यार, सीरियसली क्या शुभ तिल मौत, अच्छा नहीं लग रहा है तेरे जैसा। नहीं अभी बनाओ। गाइस अच्छी तो बहुत अच्छी बनी है, सच में अच्छी तो बहुत अच्छी बनी है। गाइस बनी तो बहुत अच्छी है सच में, कल जुट्टी। बिल्कुल भी फनी नहीं था, बहुत अच्छा था। अभी मेरी बची हुई है, ये लोग दोनों ने तो पी ली है, और मैं लोग को दिखा दिखा के चिड़ा चिड़ा के पीऊंगी थोड़ा थोड़ा, है ना। सो टेस्टी, सो टेस्टी। तो ये देखिए मम्मी ने सालन बनाया है धाड़ा का, खारा का, और ये मस्त खिचड़ी दाल डाल के, और अभी मम्मी खा रही है फटाफट से, और हम लोग भी। अभी बज रहे रात के 1:45, और मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, बस थोड़ा सा बाकी है, 3-4 पॉइंट्स उतना लिखती हूँ एंड देन सो जाती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल तोकिरा शेख व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।